नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी बीजेपी की गले में फांस बनकर अटक गया है, जिसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले वहां पहुंचकर रोज सरकार और प्रधानमंत्री पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है। अभी बीजेपी का थिंक टैंक राहुल के हमलों की काट ढूंढ ही रहा था कि ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व CEO जैक डोर्सी ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। डोर्सी ने इंटरव्यू में दावा किया कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को उसके कर्मचारियों पर छापा मारने और ऑफिस को बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ लोगों के अकाउंट बंद करने का दबाव बनाया था। पूर्व CEO डोर्सी को भी अब ही मौका मिला था मुंह खोलने का। इतने दिनों तक क्यों चुप्पी साधे बैठा रहा? बोलना ही था तो तब बोलता जब किसान नेता उनके ट्विटर अकाउंट बंद करने के आरोप सरकार पर लगा रहे थे। तब हिम्मत नहीं हुई। अब नौकरी खत्म होने के बाद बोलने का क्या उचित है? खैर, भारत सरकार ने एक झटके में डोर्सी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सब राहुल गांधी कहलवा रहे हैं, यानी डोर्सी की लगाम भी राहुल के हाथ में है। अब तो बीजेपी को एक और तोहमत लगे हाथ और लगा देनी चाहिए। वो ये कि वाशिंगटन में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की ओर से BBC की गुजरात दंगों पर बनी फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन भी राहुल गांधी के कहने पर ही किया जा रहा है। और यदि ये सब बीजेपी के IT सेल की ओर से डिक्लेयर्ड पप्पू करवा रहा है तो निश्चित मानिए अब आपने ही उसे पप्पू से स्टेट्समैन बनने पर मजबूर कर दिया है। अब विचार करने की बात ये है कि एक ठीक ठाक आदमी को पप्पू घोषित कर दिया, फिर मानहानि के एक टुइया से मामले में अदालत से अधिकतम सजा दिलवा दी। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि फैसले के तत्काल बाद उक्त जज को इनाम के तौर पर प्रमोट भी कर दिया था। ये दीगर बात है कि मामला कहीं और अटक गया। कोर्ट के फैसले की आड़ में आपने राहुल की संसद सदस्यता खत्म कर दी, सरकारी घर भी खाली करवा लिया, फिर भी उससे चुप रहने की उम्मीद करते हो? संसद में जब बोलता था तो बकौल राहुल आप माइक बंद कर देते थे, फिर वह सड़क पर बोलने लगा, सरकार ही नहीं सीधे RSS पर भी हमले बोलने लगा। सारे भाजपाई एक सुर में चहचाने लगे कि संसद में बोलना चाहिए था, वहाँ तो बोला नहीं, अब सड़क पर बोल रहा है, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काकर राजनीति कर रहा है। बंदे ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा करके करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई छवि ही धो डाली। उस पर भी तीर कहे या तुक्का, बीजेपी से कर्नाटक का ताज ही छीन लिया, भाजपा का गेटवे ऑफ साउथ बंद कर दिया, दक्षिण में पैर टिकाने भर को जमीन की चाह में तमिलनाडु के चोल राजाओं का राजदंड उर्फ धर्मदंड यानी सेंगोल नए संसद भवन में विधिवत स्थापित कर दिया गया। अंदर राजदंड स्थापित हो रहा था और बाहर दिल्ली पुलिस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का परचम लहराने वाली महिला पहलवानों को राजदंड का स्वाद चखा रही थी। तमिलनाडु में पवित्र श्री चरणों के पड़ने से पहले ED ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। ED ने स्टालिन सरकार के एक मंत्री सेंथिल बालाजी को भ्रष्टाचार के आरोप में धर लिया है। अब तमाम विपक्षी नेता सरकार को कोस रहे हैं। विपक्षी दिग्गजों को साफ साफ संकेत दे दिया गया है कि ज़्यादा एकता के चक्कर में पड़ोगे तो धर लिए जाओगे। ED, IT और CBI को काम पर लगा दिया गया है। निकट भविष्य में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी नज़रें इनायत होने की चर्चा है। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए होने वाली बैठक से पहले
एकाध विपक्षी सरदार को ईडी, आईटी या सीबीआई वाले धर लें तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। लेकिन पप्पू से स्टेट्समैन बना राहुल गांधी विदेश में जाकर भी प्रधानमंत्री पर निशाने साध रहा है। इसके जवाब में समूचा मंत्रिमंडल राहुल को देशद्रोही करार दे रहा है। बीजेपी के कर्णधार कह रहे हैं कि राहुल खुद तो आरोप लगा ही रहा था, ये डोरसी और मानवाधिकार संगठनों को भी उकसा कर देश की बदनामी करने में लगा दिया। असल दिक्कत तो ये है कि मोदी जी के अमेरिका में डंका बजाने से पहले ही राहुल ने भद उड़वा दी है, सारी दुनिया को बता दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र बंधक हो गया है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता है, संसद में कोई बोलता है तो माइक बंद कर दिया जाता है, आज़ाद प्रेस गुलाम बन गई है। राहुल ने इतना सब रायता फैला दिया है जिसे मोदी जी को डंका बजवाने से पहले साफ करवाना पड़ेगा। इधर कई विपक्षी नेताओं का इलाज बाकायदा जारी है, जिसके यहाँ भी ईडी, आईटी और सीबीआई पहुँच गई, या तो वह श्री चरणों में नतमस्तक हो गया, नहीं तो सीधे जेल पहुंचा दिया गया। अब सवाल ये उठने लगा है कि सारे बखेड़े की जड़ राहुल गांधी हैं, ईडी उससे पूछताछ कर चुकी है, क्यों नहीं उसे अंदर ठोक दिया जाता। राजनीतिक गलियारों में कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि मोदी जी केवल केजरीवाल से घबराते हैं, अब पूछा जाता है कि मोदी राहुल से भी घबराने लगे हैं क्या। दबी जुबान में जवाब दिया जाता है कि अंदर दे दिया तो कहीं सचमुच बड़ा नेता ना बन जाए, इसलिए बाहर ही ठीक है, सड़कों पर बोलता रहे जो बोलना है, संसद के द्वार तो फिलहाल उसके लिए बंद हैं ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।